नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति राठौर और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने विनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिसमें हम डेली मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। कोई भी नहीं, जैसे कि परियोजनाओं से संबंधित या नदियों से संबंधित, मंदिरों से संबंधित, ऐसे कोई भी टॉपिक पे हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की परियोजनाएं, जिसमें हम 100+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके दो सेशन हम बना चुके हैं जिसमें हम 50+ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका पार्ट 3, तो आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलो देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान है? मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान है? इसका आंसर आता है 69,788 करोड़ रुपए। 69,788 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक विकास दर कितनी रखी गई है? मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक विकास दर कितनी रखी गई है? तो इसका आंसर आता है 7.6%। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक विकास दर रखी गई थी 7.6%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वीं योजना में प्रदेश की साक्षरता दर कितने प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितने प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य था? तो इसका आंसर आता है 88% तक। यानी उनका लक्ष्य था कि 88% तक लोग शिक्षित हो जाएं। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं निर्मित और क्रियान्वित की गई हैं? तो इसका आंसर आता है 11। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में 11 पंचवर्षीय योजनाएं निर्मित और क्रियान्वित की जा चुकी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट में। मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस मद पर सर्वाधिक राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है? यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक राशि कौन सी किसके तहत व्यय किए जाने का प्रावधान है? ग्रामीण विकास में, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में, ऊर्जा में या परिवहन में? उसका आंसर आता है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में। फ्रेंड्स, अभी तक जो है 12 परियोजनाएं क्रियान्वित हो चुकी है, इसके अकॉर्डिंग 11 है, तो इसका आंसर आता है 11। और इसका आंसर आता है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर सर्वाधिक व्यय किए जाने का प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में जंगल सराय परियोजना के तहत कैंपिंग व्यवस्था किस तिथि को शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में जंगल सराय परियोजना के तहत कैंपिंग व्यवस्था किस तिथि को शुरू की गई? तो इसका आंसर आता है 1 अप्रैल 2011 को। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश के प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 2 के कब से प्रारंभ हुआ? यानी कि मध्य प्रदेश के प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम 2 कब से प्रारंभ हुआ है? तो इसका आंसर आता है 1 अप्रैल 2005 से। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश में दीनदयाल चलित अस्पताल कब प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर आता है 29 मई 2006 को। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के दूरस्थ जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने 29 मई 2006 से दीनदयाल चलित अस्पताल योजना प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या होता है कि इसमें जो अगर कोई रोगी है तो उसे उसके घर जाके उसका उपचार किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना वर्तमान में प्रदेश के कितने आदिवासी विकास खंडों में संचालित की जा रही है? तो इसका आंसर आता है 89। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना वर्तमान में प्रदेश के 89 यानी कि 89 आदिवासी विकास खंडों में संचालित की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना संचालित की जा रही है? प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, सहारा योजना, जवाली योजना या जननी सुरक्षा योजना?
इसका आंसर आता है जननी सुरक्षा योजना। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत भारत सरकार की सहायता से जननी सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश में, यानी कि यह भारत सरकार की सहायता से मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2005 से यह योजना प्रारंभ की गई थी और इसमें सभी गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव कराने का लाभ दिया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश की नई लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश की नई लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर आता है 1 अप्रैल 2007 को। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार ने कन्याओं के लिए 1 जनवरी 2006 के जन्म के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश की नई लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई थी और इसका लाभ 2 बच्चों तक ही सीमित होगा, यदि 3 बच्चे हैं तो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ में कौन सी योजना लागू की गई है? मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के हितार्थ में कौन सी योजना लागू की गई है? महिला सुरक्षा योजना, उषा किरण योजना, महिला स्वावलंबन योजना या महिला सशक्तिकरण योजना? तो इसका आंसर है उषा किरण योजना। फ्रेंड्स, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए उषा किरण योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई। इसका शुभारंभ जो है तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 29 जून 2008 को भोपाल में रविंद्र भवन में किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आश्रय योजना का प्रारंभ की गई है? मुख्यमंत्री आश्रय योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो इसका आंसर आता है 2008 में। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान ने 13 जुलाई 2008 को भोपाल में स्थित जो लाल परेड ग्राउंड है वहां पर मुख्यमंत्री आश्रय योजना का शुभारंभ किया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन किया गया है? मध्य प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र को सर्वाधिक आवंटन दिया गया है? स्वास्थ्य को, शिक्षा को, ऊर्जा को या सिंचाई को? इसका आंसर आता है सिंचाई को। चलते नेक्स्ट पे। एकलव्य शिक्षा विकास योजना प्रारंभ की गई है? एकलव्य शिक्षा विकास योजना कब प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर आता है 15 नवंबर सन 2010 को, यानी 15 नवंबर सन 2010 को एकलव्य शिक्षा विकास योजना प्रारंभ की गई है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की बाड़ी परियोजना किससे संबंधित है? बाड़ी परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आता है बाड़ियों में फलदार पौधे लगाने से। फ्रेंड्स, 26 दिसंबर 2007 को बाड़ी परियोजना को प्रदेश के बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी, शाहपुर और चिचोली विकास खंडों के 102 गांव में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए 6000 परिवारों के लिए उनके निवास स्थान से लगी बाड़ियों में फलदार पौधे लगाने की बाड़ी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा शहर JNNURM में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आता है ग्वालियर। ग्वालियर, मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर जवाहर नेहरू राष्ट्रीय अर्बन रिन्यूअल मिशन यानी कि JNNURM के अंतर्गत शामिल नहीं है और इसमें 4 शहर शामिल है मध्य प्रदेश के, जैसे कि जबलपुर, उज्जैन, इंदौर और भोपाल। तो इसका आंसर आता है ग्वालियर, यानी कि ग्वालियर शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार की राम रोटी योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर आता है सन 2010 में, नवंबर 2010 में राम रोटी योजना प्रारंभ की गई थी। फ्रेंड्स, ये भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर से शुरू की गई थी और इन शहरों में स्थित रेन बसेरा में रात बिताने वाले जो मेहनतकश गरीब लोग हैं उनको 5 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था, यानी कि राम रोटी योजना में 5 रुपए में भरपेट भोजन गरीबों को उपलब्ध कराने की योजना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, माता की रसोई नाम से कार्यक्रम किस जिले की ग्राम सभा द्वारा प्रारंभ किया गया था? अब कोई एक जिला है जिसकी ग्राम सभा के द्वारा, MP के द्वारा नहीं, यह एक ग्राम सभा के द्वारा प्रारंभ किया गया था जो कि जिसका नाम है माता की रसोई। तो यह कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? यह शहडोल में प्रारंभ हुआ था। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं, साझा चूल्हा क्या है?
साझा चूल्हा क्या है? तो साझा चूल्हा एक योजना है। फ्रेंड्स हम योजना ही पढ़ रहे हैं तो साझा चूल्हा भी एक योजना है। उसमें क्या होता है, सरकार द्वारा यह एक योजना है जिसके तहत स्कूली और आंगनवाड़ी बच्चों के लिए एक ही जगह भोजन पकाने की व्यवस्था की गई, यानी कि साझा चूल्हा। यानी सरकारी स्कूल और जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं उनका सबका भोजन एक ही जगह पर पकाने की योजना है। नेक्स्ट देखते हैं, साझा चूल्हा योजना का प्रारंभ निम्न में से किस तिथि को हुआ था? इसके पहले क्वेश्चन में हमने साझा चूल्हा की जो डिटेल है वो पढ़ी है। अब इसमें बताना है कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो यह हुआ था 3 नवंबर सन 2009 को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई है? मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का प्रारंभ की गई है, तो इसका आंसर बनता है 2011 में, जुलाई 2011 में यह योजना शुरू की गई। फ्रेंड्स इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे और ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों के 0 से 15 वर्ष आयु के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का ऑपरेशन और उपचार हेतु राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यानी 15 वर्ष तक के जो बच्चे हैं और आप अगर गरीबी रेखा से नीचे या ऊपर भी हैं, बीपीएल कार्ड धारक है या एपीएल कार्ड धारक है, तो आपको आपके जो 0 से 15 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अगर कोई हार्ट संबंधित या हृदय रोग से संबंधित कोई बीमारी है तो सरकार के द्वारा उनको पूरी पूरी राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका जिसमें यह योजना है मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना इसके तहत। चलते नेक्स्ट पे, मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना की योजना अवधि क्या है? तो इसका आंसर आता है 2012 से 2017। फ्रेंड्स 12वीं पंचवर्षीय योजना का योजना अवधि है 2012 से 2017 तक। चलते हैं नेक्स्ट पे, मध्य प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है? तो इसमें राशि मंजूर की गई है 2,01,862 करोड़ रुपए, जो कि बहुत ज्यादा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो फ्रेंड्स ये है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है, प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के लिए राज्य घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य तय किया गया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आंसर से जुड़ी कोई जानकारी हो तो उसे भी हमें जरूर मेंशन करें। सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके पहले भी हम 2 वीडियो और परियोजनाओं से संबंधित बना चुके हैं, और परियोजना के अलावा हम नदियां, मंदिर और मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।